सो सिंस द लास्ट 2.5 डेज मैं यहीं पे हूँ इन दिस रूम, और मैंने कहीं कहीं बाहर तो गया नहीं पहली बात. सेकेंड थिंग इज़ दैट मैंने हाउस कीपिंग को भी अंदर आने नहीं दिया बिकॉज आई हैव बिन बिजी विथ माई वर्क ऑल डे लॉन्ग. एंड घर का हालत देखो, दिस इज़ द प्लेस, और यहाँ पे टिश्यू पेपर पड़ा हुआ है. कपड़े का हालत देखो, दिस इज़ द टेबल. अब ये तो खाना आया है, रात का डिनर है. एंड दैट इज़ द वर्क प्लेस. व्हाट हैज़ हैपेंड ओवर देयर आई डोंट नो. मेरा लैपटॉप चल रहा है. दिस इज़ द कंडीशन ऑफ द बेड. मतलब भयंकर हालत है. प्लीज़ डोंट जज मी ऑन दिस पार्ट. अभी बज रहे शायद 12 बज चुके अभी. सो आई एम गोना हैव माई डिनर. क्या क्या है आज? इसमें राइस, इस दाल, दिस इज़ कोई सब्जी, अजीब टाइप का सब्जी, एंड दैट्स पनीर. बस ओके. दिस गाइज फॉरगॉट टू गिव मी डेजर्ट. बोला था कि डेजर्ट में आइसक्रीम है, देखा है? दे फॉरगॉट. सो फाइनली माई डिनर इज़ डन एंड इट्स बिन एजेस. सारा काम भी ख़त्म हो गया है. आई एम वॉचिंग मूवीज़. अपना चैनल का नाम मैं भूल गया था. कोई कोई चैनल का नाम तो अभी याद है. अच्छा, स्टार गोल्ड नाम का भी एक चैनल है. पता नहीं क्या मूवी हो रहा है. लेट्स सी एंड आई विल स्लीप. सो कल मिलते हैं एकदम सुबह. ओके, चलो, गुड नाइट. गुड मॉर्निंग एवरीवन. आई होप यू आर डूइंग फाइन. वेलकम बैक टू अनरैप जिंदगी. अभी 8 बज रहे हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट होटल रूम्स जहाँ पे खिड़की है, यू नो, और यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन भी नहीं है. सो एनीवन कैन एक्चुअली जंप फ्रॉम हियर. मतलब कोई सेफ्टी मतलब सेफ्टी कोई है नहीं यहाँ पे. आई डोंट नो बट दैट इज़ हाउ इट इज़. अभी जाएंगे पहले ब्रेकफास्ट करने, बट उसके पहले ब्रश करना इम्पोर्टेंट है. कल रात को सोने से पहले आई क्लीनड अप द टेबल. मतलब क्लीनड अप तो दिख नहीं रहा है, बट फिर भी आई क्लीनड अप एक्चुअली. तो और बाकी सारा जितना मतलब सामान पैक करना है यहाँ पे, फिर निकल जाएंगे. आई बी स्टेइंग इन द सेकेंड फ्लोर और जाना है मुझे ग्राउंड फ्लोर पे. ग्राउंड फ्लोर पे सारा लंच नहीं, लंच तो किया ही नहीं है कभी. आई हैव डन जस्ट ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट ही लंच में मतलब बचा हुआ था. आई यूज टू डू दैट. आज तो घर जाके लंच करेंगे. दिस इज़ अ रियली नाइस होटल. आई विल रियली रिकमेंड ऑल ऑफ यू गाइज टू वंस कम हियर. मतलब यहाँ पे अगर आ रहे हो तो कैलरी 67, अमेजिंग होटल. फ्लेवर कार्ड. अच्छा, सो ये स्पेशली वीडियो करने के लिए दे गए हैं. इट्स ए गुड जेस्चर. ये पूरा कोई कार्ड का कोई फ्लेवर है. दिस इज़ पुदीना फ्लेवर कार्ड, दिस इज़ चॉकलेट फ्लेवर, और उसके बाद ये मैंगो या पाइनएप्पल. ही फॉरगॉट. बट दिस इज़ अ नाइस जेस्चर, राइट? इट्स रियली गुड. चॉकलेट वाला एवरेज था, बाकी ये दोनों वॉज रियली गुड. वन थिंग आई हैव सीन इज दैट यहाँ पे खाने का क्वालिटी इज रियली गुड. मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर बहुत अच्छा लगा. रेडी तो निकलते. सो ये कॉन्फ्रेंस रूम ही है, राइट? ये भी कॉन्फ्रेंस रूम सर. 50 पैक्स का कॉन्फ्रेंस. 50 लोग हो सकते हैं? 50 का ऊपर भी हो सकते हैं. और कितना मतलब बुकिंग चार्जेस कितना हो सकता है?
ये आपका मेनू मेनू का रेट से मतलब समझा नहीं। अब मेनू हिसाब से होता है सर, मतलब खाने के मेनू के हिसाब से। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस के साथ फूड भी देता तो ये एमटी पड़ जाता, इसके कोई चार्ज नहीं मिलता अलोंग विद द फूड, वो बैलेंस हो जाता है। ओके, और कोई मतलब ब्रू करता है तो क्या ले लेंगे? हाँ, फूड नहीं लेंगे, नहीं लेंगे तो सर आप 50 पैक्स होगा तो समथिंग 10,000 में कितना टाइम के लिए? अब 6 घंटा 7 घंटा के लिए। अच्छा, दिस इज़ अ नाइस रूम कॉन्फ्रेंसेस। एक्चुअली मैं लास्ट ईयर आई वॉज फाइंड, लास्ट ईयर नहीं 2019 में मैं ढूंढ रहा था, मिल नहीं रहा था मेरे को। 2019 फरवरी से ओपनिंग, 12 फरवरी। अच्छा, अच्छा वो बड़ा वाला था जी सर। ओके, छोटा सा। ओके ओके, सो ये मतलब मीटिंग्स के लिए, एंड दैट इज फॉर लाइक अगर कोई मतलब लॉन्च पॉन्च करे प्रोडक्ट लॉन्च तो उसके लिए सही होगा। अच्छा, सो ये दो रूम सर का जी सर, तो इसका चार्जेस कितना हो सकता है लाइक फॉर 6 आवर्स? या फोर या 5,000 एमटी, 4 या 5,000 विदाउट फूड लेंगे तो उसमें इंक्लूड हो, उसमें हो जाएगा जी सर। अच्छा अच्छा, क्योंकि एक्चुअली हम लोग फूड का ऊपर इसको सेल करते हैं। अच्छा अच्छा, ओके। तो यू आर एक्चुअली नाउ मूविंग टू द बैंक्वेट एरिया जो अंडरग्राउंड में है। वाओ, नाइस, नहीं काफ़ी स्पेसियस है। ऑनलाइन चलाओगे सर? नहीं नहीं, बस काफ़ी है। और यहाँ पे बफे अरेंज होता है सारा? ओके, अगर वहाँ बफे लगता है फिर हम लोग क्या करते हैं, जब ज़्यादा स्पेस चाहिए हाँ हम लोग वॉल तो बेकार हो जाता है, इसलिए वॉल को चारों तरफ बफे लगा देते हैं, चारों तरफ। अच्छा, यहाँ पे? अच्छा 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 अच्छा, राउंड करके बफे लगा। अच्छा, और वहाँ पे खाली रहता है, बैठने का जगह बन जाता है? बैठने का जगह मिल जाता है। अच्छा, और फंक्शन कहाँ पे मतलब सेटअप करते हो, कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे अगर शादी का होता है यहाँ पे कारपेट लगता है, फिर उसका ऊपर एक कुर्सी लगता है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे जो शादी करने के लिए आता है ना, दूल्हा बैठता है यहाँ से। क्या बताते? दूल्हा, दूल्हा। अच्छा, जो शादी करने आता है दुल्हन इस रूम में बैठता है। अच्छा, दिस अनदर रूम? जी सर। अच्छा, थोड़ा अच्छा से सजाता है, डेकोरेशन करता है। ओके ओके, अच्छा से डेकोरेशन करता है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। तो इसका मतलब पर डे मतलब फॉर वन मतलब शादी हो रहा है तो कितना चार्जेस ले सकता है इसका? इसका सब फूड का हिसाब से सर हम लोग, मतलब इफ 100 पीपल अप्रोक्सीमेटली 100 पीपल सर अप एंड डाउन तो होगा 1100 सर पर प्लेट, 1100 पर प्लेट। अच्छा, आपका सिर्फ हिसाब होता है सिर्फ पर प्लेट के हिसाब से सर, नॉट जगह के हिसाब से नहीं होता है? अगर आपको फूड नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है, एक दो घंटा बिताना है तो एमटी चार्ज से 15,000 से 20,000। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा कौन लेगा जी? वही बात है, सब फूड लेते हैं सर। हाँ, उसको फूड लेने से क्या इसको फ्री में मिल जाते हैं। और कैटरर के आपके यहीं से लेना है? सब हम लोग है, बाहर से अलाउड नहीं? कुछ नहीं। अच्छा, और डेकोरेशन? डेकोरेशन बाहर से है, हम लोग आदमी देते हैं सर, आप डील कर सकते हैं। अच्छा, हम डील कर सकते हैं। अच्छा, आप अपने हिसाब से भी डेकोरेशन ला सकते हैं। ये ऊपर का ये जो डिजाइन है ये बहुत अच्छा, एम डी है ना सर, वो आउट ऑफ इंडिया में देख के आया था। अच्छा, वो उसी हिसाब से लेके बनाया सर। रियली नाइस, ये सर कलकत्ता में न्यू वर्सन है सर। मैंने देखा नहीं है जी सर। फाइनली माय ओला केम और मैं निकल रहा हूँ। यहाँ पे कुछ चेकिंग चल रहा था, आई डोंट नो किस चीज़ का, इलेक्शन का बताया, इलेक्शन इलेक्शन का चेकिंग चल रहा था, बैग में क्या है, डिक्की में क्या है। तो जैसा आप देख रहे हो, एक गाड़ी अचानक से आया, हम लोग को स्टॉप किया, एंड इट्स बीन 10 मिनट्स कि हम लोग यहीं पे खड़े हैं। सो द थिंग इज़ दैट भैया जो ड्राइवर है एक्चुअली उनका EMI गाड़ी का पे नहीं किया हुआ है, आई डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग और वॉट एवर द थिंग। तो बैंक से लोग आए हैं एंड दे हैव स्टॉप्ड अस फॉर द लास्ट 10 मिनट्स यहीं पे खड़े हैं। बहुत गर्मी है, यू नो कोविड के बाद प्रोटोकॉल से सच कि AC नहीं चला सकते, वेरी वेरी हॉट। एंड दिस गाय वॉज कंप्लेनिंग कि पहले जो ओला यू नो इंसेंटिव पे करते थे या फिर जो भी पे करते थे देट वॉज हायर देन दिस टाइम, मतलब अभी मतलब आई थिंक आफ्टर कोविड देर आर सम चेंजेस, आई डोंट नो, जो बता रहे थे इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांट, मतलब डू नॉट टेक इट लाइक इट्स लेजिटिमेट इन्फॉर्मेशन, इट्स लाइक एन अजम्पशन। बट भैया कह रहे थे लाइक ये खुद का ही गाड़ी है इसलिए फिर भी चला पा रहे हैं, अदरवाइज क्या बताएं। एक और चीज़, लास्ट ईयर भैया का जो ड्राइवर भैया है स्टैंडिंग देयर, ही हैड ब्रेन स्ट्रोक, प्रिस्क्रिप्शन भी दिखाया, मैंने ठीक से देखा नहीं, आई थिंक ही इज़ नॉट लाइंग, ऑब्वियसली ही विल नॉट बी लाइंग, लॉट ऑफ थिंग्स यू नो, कौन क्या स्थिति से जा रहे हैं, वॉट एवर द चैलेंजेस, नो वन नोज राइट। एंड ना जाने हम कभी कभार कुछ ऐसा बोल देते हैं विदाउट इवन थिंकिंग, सो हमें ये करना नहीं चाहिए, इट्स अ ग्रेट लर्निंग आई गॉट।
यस इट्स बीन वन मंथ कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके मैं इसको अपलोड किया है एंड हालत देखो बाहर का, भयंकर बारिश हो रहा है अभी। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड द रीज़न मैंने इतना डिले किया बिकॉज बीच में कुछ वीडियोस थे जो मुझे पुट फॉरवर्ड करना था तो इसके लिए मुझे डिले करना पड़ा। सो यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। मतलब अगर आपको अच्छा लगा तो भी बताना, नहीं अच्छा लगा तो भी बताना बिकॉज इट हेल्प्स मी इम्प्रूव एंड ऑल्सो हेल्प्स मी गेट मोटिवेटेड। ओके तो बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रहा है एंड मुझे नीचे जाना होगा एंड प्रोबेबली लॉकडाउन अभी चालू नहीं हुआ है एंड इट कैन स्टार्ट विद इन अ फ्यू डेज। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो टिल देन आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल चैनल अनरैप जिंदगी। कितना पानी बह रहा है देखो, लुक एट दिस। व्हाट इफ वी शुड हैव सेव्ड दिस वाटर। इस पानी को अगर सेव कर पाते तो कितना अच्छा होता भाई।